हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये टॉपिक है क्वांट्स का वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें मैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, साथ में कुछ सिंप्लीफिकेशन में भी 2 या 3 इसमें से डिस्कस करूंगा। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जब ये एग्जाम्स चल रहा था तो रिव्यू के दौरान ही मैंने 5 से 6 ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये 17 सितंबर को किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो डिस्कस करूँगा वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक आप समझ लीजिए कि किस तरह का लेवल आ रहा है, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है इसमें आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है, अगेन मैं वीडियो बनाने से पहले आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जो अप्रोच है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है तो आप उसी को फॉलो कीजिए। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है असिस्टेंट लेवल में, ये ऐसा क्वेश्चंस आता है कि आपको उसमें पेन या पेन पिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप उसको वर्बली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन, बट 20 years hence हिज एज विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर एज देन द फादर्स एजेस। फ्रेंड्स, मैं अभी राइटिंग पैड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राइटिंग पैड मेरे पास नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो अगर हैंड राइटिंग अगर आपको बुरी लगे तो सॉरी। हाँ, तो मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बता रहा है कि फादर एज इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 2 सन है, इसीलिए हम इसको अब फादर है, सन्स 2 है। ठीक है, तो S1 plus S2। ठीक है, इसको बस आप अपने दिमाग में याद रखिए कि S1 plus S2 यानी कि 2 सन है। ठीक है, लेकिन आप जब इक्वेशन बनाइएगा तो F equals to 3S लिखिए। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, दूसरा आपको बता रहा है कि 20 years later, तो 20 years later आप बनाइए। 20 years later क्या है, सन्स के एज क्या होंगे, तो देखिए 2 सन है तो क्या होगा, टोटल 40। ठीक है, तो यहां से भी एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, F minus S equals to 20। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 3S है, 3S को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3S को आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको यहाँ आ जाएगा 20, तो 2S equals to 20। ठीक है, तो S equals to आ जाएगा आपका 10। अब ये जो 10 है, इस 10 को आप इस पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3S जो है इस पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपका जो फादर का जो एज है वो आपको आ जाएगा 30 years। आंसर जो है 30 years होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4 इफ द पेरीमीटर इज 52 centimeters देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए पेन पिक करने की आपको जरूरत नहीं है। आप 12 ले लीजिए और इस पे आप देखिए 12/2 6। ठीक है, फिर है 12/3 4, फिर है 12/4 3। ठीक है, 6 4 10 13। ठीक है, तो 13 units equals to कितना दिया हुआ है, 52। ठीक है, तो क्या होगा इसका, 4 होगा, लेकिन आपको निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड क्या है, 3। तो जब 3 into 4 कीजिएगा आप, तो आपको आ जाएगा आंसर 12 जो है इसका आंसर होगा। एज सैलरी इज 25% हायर देन बेस सैलरी, देन बाई हाउ मच बेस सैलरी लोअर देन दैट ऑफ एज सैलरी। ठीक है, ए है, बी है, बी को सिंपल है 100 मान लीजिए, ए को सिंपल है आप, ये ए तो दिया हुआ है 125% हायर यानी कि 125 होगा। डिफरेंस क्या है, 25% किसके अगेंस्ट में निकालना है, बेस सैलरी इज हाउ मच दैट ऑफ एज सैलरी, एज सैलरी 125। अब इनटू 100 लिख के मैं आपको इतना बेसिक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 1/5 जो है इसका परसेंटेज फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये 20% होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। रवि सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 12/1/2% इफ ही सोल्ड इट एट 22.50 मोर। ठीक है, ही वुड हैव गेन 25%, द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22.12। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12.50%। ठीक है,
और यहां पे क्या बोल रहा है 25%, ठीक है। तो इन दोनों का जो है 22. अगर ये 12.50 से 20% 25% प्रॉफिट, दोनों गेन है, कहीं लॉस नहीं लिखा हुआ है, दोनों गेन है, ठीक है। तो अगर ये 25% प्रॉफिट में बेचता तो इसको क्या हो जाता, 22.50 जो है उसको ज्यादा मिलता, ठीक है। तो परसेंटेज डिफरेंस क्या है, परसेंटेज डिफरेंस भी है 12.5%, परसेंटेज डिफरेंस भी जो है आपका 12.5%। तो यहीं पे है 12.5% जो है इक्वल्स टू आपका 22.50। आपको निकालना क्या है, सीपी, सीपी जो है हमेशा 100% पे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये आंसर आ जाएगा 180, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन जॉब वॉज असाइन टू ए ग्रुप ऑफ मैन टू डू इट इन 20 days, बट 12 मैन डिडंट, ये डिड होगा, ठीक है, डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब एंड द रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 32 days, द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप इज, यानी कि 20 दिन का काम था कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन 12 दिन मौके पे पहुंचे नहीं, तो बाकी लोगों ने 32 दिन में काम किया, ठीक है। तो कितने लोग एक्चुअल में थे शुरू में, ठीक है, तो कितने लोग एक्चुअल में थे उसको एक्स मान लेते हैं, कितने दिन में काम खत्म करना था, 20 दिन में, ठीक है। तो कितने लोग नहीं आए एक्चुअल में से, 12 लोग उसमें नहीं आए, ठीक है। ये जो काम है, ठीक है, इन लोगों ने कितने दिन में काम खत्म किया, इन लोगों ने 32 दिन में काम को जो है खत्म किया। तो देखिए क्या होगा, 20x इक्वल्स टू 32x माइनस 32 इंटू 12, ठीक है। अब इसको कैंसिल मत कीजिए आप, ठीक है, सिंपल चीज को सिंपल रहने दीजिए, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12x इक्वल्स टू आपका 32 इंटू 12 होगा, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 32 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर जो है आपका 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 36 टीचर इन ए स्कूल, 1 प्रिंसिपल एंड 1 वाइस प्रिंसिपल आर टू बी अपॉइंटेड इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। अगेन इजी है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। पहले मान लीजिए पहला दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, 36 लोग हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। अब 36 लोगों में मान के चलिए कि प्रिंसिपल निकालना है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है, 36 लोगों में से कोई भी हो सकता है, तो 36 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको आप एम मान लीजिए। वाइस प्रिंसिपल अब कितने बच गए, कितने लोगों में से आप वाइस प्रिंसिपल चुनिएगा, आपको 35 में से चुनना होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई प्रिंसिपल इसमें से बन गया होगा, तो अब 35 बचा है, इसको आप एन मान लीजिए, ठीक है, इसको आप एन मान लीजिए, तो एम इंटू एन, ठीक है, यानी कि 36 इंटू 35, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 1260। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस आपको अप्रोच मालूम होना चाहिए कि आपको अप्रोच क्या करना है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में ही कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 ऑफ हार्ट और ए 2 ऑफ डायमंड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप, ठीक है, यहाँ 2 कार्ड की बात नहीं कर रहा है, हार्ट में जो 2 नंबर है उसकी बात कर रहा है और डायमंड में जो 2 नंबर है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का हार्ट कितना होता है, एक ही होता है ना, पूरे पैक में एक ही होता है, 52 ऑफ कार्ड में एक ही होता है, और 2 नंबर ऑफ डायमंड क्या होता है, वो भी एक होता है 52 में, ठीक है। तो आपको जब ऐड करेंगे दोनों को, और लिखा हुआ है, और का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, तो 2/52, तो क्या हो जाएगा, 1/26, यह है इसका आंसर। द रिटेल प्राइस ऑफ ए गीजर इज 1265, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होल सेल डीलर गेन्स 15% एंड द रिटेलर गेन्स 25%, देन द सीपी इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है, 1265, ठीक है, यह दिया हुआ है इसमें आपका, ठीक है, और आपको क्या है, मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, ठीक है, सिंपल चीज को आप सिंपल रखिए, 110 इंटू, फिर क्या बोल रहा है, फिर से गेन हो रहा है 100 115, फिर क्या हो रहा है 25% का, 100 बाई
125, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 100, ठीक है। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 800, आंसर है 800। राम ट्रेवल्स द डिस्टेंस इन 3 km/h एंड रीचेस 15 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल्स एट 4 km/h ही रीचेस 15 मिनट अर्ली। तो 15 मिनट लेट, 15 मिनट अर्ली, टाइम डिफरेंस क्या है, टोटल 30 मिनट, ठीक है, टाइम का जो डिफरेंस है टोटल 30 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/60। 30/60 क्या है, ये टाइम है, ठीक है, टाइम है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको हमने आवर में बना लिया, तो अब इक्वेशन मेरा बन सकता है डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो मुझे जो टाइम डिफरेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, डिस्टेंस बाय स्पीड तो ये टाइम के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 4d 3d क्या हो जाएगा, d, नीचे क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 6, आंसर जो है 6। ए पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम एट 8 km/h अगेंस्ट द स्ट्रीम एट 6 km/h द स्पीड ऑफ द करेंट इज, ठीक है, करेंट को आप इसमें से आप मान लीजिए, करेंट को आप मान लीजिए ए, ठीक है, और मैन विद द करेंट, ठीक है, जो आदमी है उस करंट के साथ में जो बह रहा है उसको आप भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम, ठीक है, बी प्लस ए इक्वल्स टू 8, ठीक है, अगेन बी माइनस ए, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम है तो बी माइनस ए होगा 6, ठीक है। अभी क्या कीजिए आप, आपको क्या निकालना है, यहाँ करंट निकालना है, करंट है मेरा ए, ठीक है, तब बी को सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, ठीक है, तो आपको ए ताकि आ जाए, तो हो जाएगा ए प्लस 6 प्लस ए इक्वल्स टू 8, 2a इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2, देन 2 कैंसल, a इक्वल्स टू 1, तो ये आपका 1 km/h जो है आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच जो है रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, पाइप फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम, इट इज फिल इन 7 आवर्स, व्हेन द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम इट विल बी एम्प्टीड बाय द लीक, ठीक है। तो एक पाइप है जो क्या कर रहा है, 6 घंटे में भर दे रहा है, और क्या कर रहा है, लीक है, तो पाइप तो भर ही रहा है प्लस उसमें से एक लीक है, तो लीक के कारण जो है क्या हो रहा है, देरी हो जा रहा है, 7 घंटा टोटल लग रहा है। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका 42, ठीक है। बता क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम ओनली द लीक कैन एम्प्टी, ठीक है, यानी कि लीक निकालना है, तो लीक निकालने के लिए क्या करना होगा, अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो पाइप प्लस लीक माइनस पाइप इक्वल्स टू 1 यूनिट है, ठीक है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना है, 42, ठीक है, अगर जितना भी यूनिट होता उससे मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 1 ही यूनिट आ रहा है, तो 1 = 42, यानी कि 42 मिनट में ये खाली कर देगा टंकी को, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए मिक्सचर ऑफ 45 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2, हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक द रेशियो 9:11। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि पेन आप पिक मत कीजिए, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कैसे जाता है। 3:2 है 5, 5 9 जा क्या होता है 45, ठीक है, 9 जा 45, 9 3 जा 27, ठीक है, 9 2 जा 18, ये रेशियो दिया हुआ है आपको, आपको बनाना क्या है 9:11। 9:11 कैसे बनेगा, मान के चलिए अगर 3 से हम 3 9 जा 27 करते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ 11 आएगा क्या, 11 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 33 लाना पड़ेगा, तो 33 कैसे आएगा, यही डिफरेंस तो पूछा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, ये तो वाटर है और ये मिल्क है, ठीक है, तो वाटर मेरा कितना लगेगा, और अगर 15 हम इसमें ऐड कर देंगे तो मेरा 33 बन जाएगा, तो मेरा जो रेशियो है 39:11 आ जाएगा, तो जो आंसर है वो 15 होगा, ठीक है। अभी देखिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है, एक्सक्लूसिवली नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के लिए, आज कुछ दो नए हाथ लगे हैं तो मैं उसको भी डिस्कस आपके साथ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको ऐसे ही हो जाना चाहिए, 4 है, फिर 4 है, 8 है,
ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है 4 है, फिर 4 है, 8 है, ठीक है, फिर यहाँ देखिए 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, राइट 16, 16 प्लस 16 है, फिर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 जो है 9 है, और एक क्वेश्चन एक 4 जो है ये बचा है, ये 4 496, आप कॉपी पेन उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है 496.88 आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2166 प्लस 692 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11। इस तरह के क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए कि पहले आप यूनिट डिजिट चेक कीजिए, तो यूनिट डिजिट आपका जो 7 है वही आंसर होगा। अगर 7 के बाद उस सारे में अगर यूनिट डिजिट दिया 7 ही है तो फिर तो आपको आगे सॉल्व करना होगा एक और डिजिट तक, ठीक है, बेटर है इस तरह के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 1697, ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड ये जो है वर्ड प्रॉब्लम हमने आपके साथ डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप एक इसी लेवल पे आप वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए और कोशिश कीजिए बिना पेन एंड पेपर उठाए इसको सॉल्व करने का। इजी चीज को इजी रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ठीक है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के जिस तरह के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, टाइम एंड वर्क के जिस तरह से क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, उसी तरह का इजी चीज को इजी रखिए और बहुत ठंडे दिमाग से क्वेश्चन दी एग्जाम्स दीजिए आप, आसानी से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सबसे जरूरी बात है जब मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि क्या अपग्रेड करने की जरूरत है और कौन कौन सी नई चीजें डालने की जरूरत है। अगर आपको और भी किसी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कीजिए, ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं आज ही मैं और दो वीडियो डालने वाला हूँ रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो मैं डाल दूंगा आपको तुरंत उसके अपडेट ताकि मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू।